राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा हुई। टीकमगढ़ सोमवार को सुबह 7:30 बजे ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क में अमन शांति की दुआ की गई। मुफ्ती आरिफ साहब ने बताया कि आज के दिन अल्लाह ने अपने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खबाब दिया कि तुझे जो ज्यादा प्यार हो उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। आपने पहले ऊँट की कुर्बानी की और भी दीगर चीजों की कुर्बानी दी, लेकिन आपको एक सपना बार बार आता रहा कि अपने दिल के करीब की कोई चीज अल्लाह की राह में दो। आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी देना चाहा, लेकिन छुरी दूनवा यानी मेंढा पर चली और कुर्बानी मुकम्मल हुई। उसी की याद में हर साल मुसलमान बकरा ईद ईद उल अजहा के नाम से त्योहार को मानते हैं। शहर में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, ईदगाह कमेटी का माकूल इंतजाम और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। बताइए आज ये क्या कार्यक्रम था? आज जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि आज जो है बकरीद का त्यौहार है हमारा। हमारे इस्लाम में जो है अल्लाह तबारक ताला ने दो दिन बड़ी ही बरकतों वाले बनाए, जो सारे मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी के दिन है, जिसमें से एक तो ईद उल फितर इसको मीठी ईद कहा जाता है, दूसरा ये ईद उल अज़हा जो जिसको बकरीद कहते हैं। इस दिन हम जो है कुर्बानी किया करते हैं और ये हमारे असलाब का तरीका है, हमारे नबियों की सुन्नत है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो मैं इस मुबारक दिन के मैं इस मुबारक दिन पर जो है आप तमाम ही आलम इस्लाम को, सारी दुनिया को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को कबूल फरमा, हम सब की कुर्बानियों को जो है कबूल फरमा और हम सब को इस मुबारक दिन की बरकतों से माला माल फरमा। यह त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये त्यौहार जो है कुर्बानी किस में मनाया जाता है? कुर्बानी क्या है? कुर्बानी ये हमारे जो अंबियाए किराम है उनकी सुन्नत, उनका तरीका है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हम लोग यहाँ पर जो है जो साहिब इस्तेआत हैं, जिनको अल्लाह ने एक माल इतना अता फरमाया है कि शरीयत में उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो वो हर कोई जो है कुर्बानी किया करता है। जो हजाज किराम हज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी जो है वो अपनी कुर्बानी को अदा करते हैं। सारी दुनिया में जो है कुर्बानी की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि आप देखें कि जब कुर्बानी का त्यौहार आता है तो वो और दूसरे लोगों को भी जो है इससे रोज़गार मिला करता है, जो सारे साल जो है अपने जानवरों का इंतज़ाम करते हैं इस खास मुबारक दिन के लिए कि जब ये मुबारक त्यौहार आएगा, ये दिन आएगा, तो हम अच्छे दामों पे जो है अपने अपने जानवरों को बेचेंगे। तो सिर्फ ये हम लोगों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए मुबारक दिन है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।